दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ इलेक्ट्रिकल डीसी कंपाउंड मोटर वर्क्स। इलेक्ट्रिकल में डीसी कंपाउंड मोटर काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों डीसी कंपाउंड मोटर को दोस्तों हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी कह सकते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर में दोस्तों जो सीरीज फील्ड कॉइल रहता है वो आर्मेचर के साथ दोस्तों सीरीज में कनेक्टेड रहता है। उसके साथ साथ दोस्तों शंट फील्ड कॉइल जो रहता है दोस्तों आर्मेचर के साथ दोस्तों पैरेलली कनेक्टेड रहता है, इसलिए दोस्तों इसको डीसी कंपाउंड मोटर कहा जाता है। डीसी कंपाउंड मोटर जो होता है दोस्तों डीसी सप्लाई से ऑपरेट किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको डीसी कंपाउंड मोटर कहा जाता है। डीसी कंपाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई होता है। दोस्तों डिफरेंट टाइप्स का डीसी कंपाउंड मोटर देखने को मिल जाता है दोस्तों, जैसे शॉर्ट शंट मोटर, लॉन्ग शंट मोटर, क्यूमुलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर, उसके बाद हो गया दोस्तों डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर। ये जो डीसी कंपाउंड मोटर होता है दोस्तों लिफ्ट में यूज किया जाता है, मतलब दोस्तों एलिवेटर में यूज किया जाता है, उसके बाद दोस्तों स्टील रोलिंग मिल में यूज किया जाता है, उसके बाद दोस्तों कटिंग मशीन में यूज किया जाता है, और दोस्तों मिक्सचर में भी दोस्तों यूज किया जाता है।